शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल ने जमानत पर रिहाई के बाद दावा किया कि नैब ने दौरान हिरासत उनसे तहकीकात नहीं की, मगर नैब ने इस दावे की भी तरदीद कर दी। अब एक इल्ज़ाम नैब की हिरासत से रिहा होने वाले अफराद का है, जो बार बार जो भी रिहा हुआ उसने कोई ना कोई इल्ज़ाम नैब पर लगाया, उस रवैये पर लगाया जिस तरीके से रखा जाता है लगाया, फिर गिरफ्तार करने के बाद तहकीक ना करने का लगाया, और फिर दूसरी तरफ दावा नैब का है जो इन इल्ज़ाम की तरदीद करती है, इन इल्ज़ाम को मुस्तरद करती है। दोनों में से कौन दुरुस्त है, इसके लिए ज़रूरी है कि तहकीकात कराई जाए और इस पूरे अमल की निगरानी हो, तहकीकात हो कि क्या नैब पर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं जेल के हवाले से, वहाँ पर जो बाथरूम्स में कैमरे लगे होने के हवाले से, साथ ही गिरफ्तार करने के बाद सवाल ना पूछने के हवाले से, अब नैब का एक मौकफ़ है, इल्ज़ाम लगाने वालों का एक मौकफ़ है, तो कोई तहकीक होनी चाहिए जिसके बाद पता चले कि कौन सही कह रहा है, क्योंकि कोई भी इदारा एहतसाब और चेक एंड बैलेंस से आज़ाद नहीं है, नैब भी आज़ाद नहीं है। अगर नैब पर ही इल्ज़ाम लग रहे हैं, बार बार लग रहे हैं, तो इसकी तहकीकात ज़रूरी है। नैब के हवाले से ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नैब से अपोजिशन को भी शिकायत है और हुकूमत को भी, अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत भी नैब कवानीन पर एतराज़ उठा रही है, मगर नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी।